गाइज, तो इंडिया में रेडमी नोट 10 एस यूजर्स के लिए एक नया स्टेबल अपडेट हमें देखने को मिला, जिसका वर्जन MIUI 14.0.3.0 550 MB के आसपास इस अपडेट का साइज हमें देखने को मिलता है। और इसके अगर मैं चेंज लॉग की बात करूं तो सिर्फ इतना सा ही मेंशन है कि मई 2023 का हमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है एंड इसके साथ इंक्रीज सिस्टम सिक्योरिटी। तो बस यही चीज मेंशन है। अब यहां पे बहुत सारा सवाल है। सबसे पहला कि इससे पहले जब MIUI 14 का अपडेट नहीं आया था, जब MIUI 13 का ही अपडेट हमें काफी 3-4 बार देखने को मिला था लास्ट टाइम, तो वहां पे जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच का ही अपडेट था, लेकिन वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही छोटे नंबर्स का हमें पैकेट साइज देखने को मिलता था, 100 MB से भी नीचे। लेकिन ये जो वर्जन है या फिर ये जो अपडेट है, इसमें भी सेम चीज मेंशन है कि मई 2023 का जो एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच है, लेकिन इसमें इसका साइज काफी ज्यादा है। तो इसके पीछे सिंपल सा यही रीजन है कि ये सिर्फ एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं है, इसके अंदर काफी सारी चीजें में भी फिक्स हुआ है एंड कुछ फीचर्स को भी साइज से इंट्रोड्यूस किया गया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू होता है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना। और अभी अगर मैं करंट वर्जन की बात करूँ तो MIUI 14.0.2 का हमें देखने को मिलता है एंड इसी के साथ मार्च 2023 का हमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो अपडेट है बीटा टेस्टर्स के लिए फिलहाल के लिए रिलीज किया गया है, तो अगर आप एक बीटा टेस्टर्स हो तो आपको मिल जाएगा। एंड बीटा टेस्टर्स कहने को तो होता है, लेकिन Xiaomi जो कि इंडिया के अंदर करता है, कुछ रैंडम सिलेक्टेड यूजर्स को भेज देता है रेंडमली। किसी के पास भी ये अपडेट पहुंच सकता है एंड अगर आपने एक टाइम के लिए देखा अपडेट आया एंड अगर आपने उस टाइम पे अपडेट नहीं किया तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम में भी हो सकता है कि अपडेट ना देखने को मिले। इसके बाद धीरे धीरे करके जब सारे यूजर्स को मिलेगा उस टाइम पे आपको अपडेट देखने को मिलेगा। तो आप में से काफी सारे यूजर्स के मन में जो एक सवाल रहता है कि अपडेट आया फिर चला गया, ये क्यों, ये इसी वजह से। एंड नाउ अब मेन क्वेश्चन कि क्या आप लोगों को इस अपडेट को करना चाहिए, तो जी नहीं, अभी आप बिल्कुल भी अपडेट को मत करो, क्योंकि दो रीजन है। सबसे पहला, अगर मैं यहाँ पे Redmi या फिर Poco स्मार्टफोन्स की बात करूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि अपडेट आने के बाद जो प्रॉब्लम्स यूजर्स को देखने को मिल, ये तो हो गया Redmi या फिर Xiaomi की बात, लेकिन अभी लगभग सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन में एक प्रॉब्लम जो कि ग्रीन लाइन इशू डिस्प्ले के अंदर आ रहा है, ये प्रॉब्लम यूजर्स फेस कर रहा है। एंड दो चीज कॉमन है। सबसे पहला एमोलेड पैनल है, एमोलेड पैनल के ऊपर ही ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। एंड दूसरा, अपडेट आने के तुरंत बाद या फिर अपडेट आने के 3-4 दिन के बाद देखने को मिलता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से जो भी Redmi Note 10 है उसका भी यूज कर रही हो, वो नया है, 1 साल हो गया होगा। तो अगर 1 साल हो गया है तो फिर आपको वारंटी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी माना कि Redmi या फिर Xiaomi या फिर Poco के स्मार्टफोन्स में ये जो ग्रीन लाइन इशू है ये काफी हद तक कम देखने को मिला है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, लेकिन स्टिल कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आपके पास अपडेट आया भी है तब भी आप अपडेट मत करो एंड मैं भी इस अपडेट को फिलहाल के लिए कुछ दिन तक नहीं करूंगा। इसके बाद जब सारे यूजर्स को मिल जाएगा मैं आप लोगों को भी बताऊंगा, मैं फीडबैक चेक करता रहता हूं एंड मैं चेक करूंगा। अगर एक भी यूजर्स को भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो मैं तो नहीं अपडेट करूंगा। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करता हूं कि आप भी अपडेट मत करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या इशू है नहीं है, इसके बाद ही आप अपडेट करना। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। साथ साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।